श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहाँ फ्यूल के साथ ही खाने पीने की चीजों की कमी है। बिजली रोजाना 12 से 14 घंटे कट रही है। इसका असर वहाँ के चाय उत्पादन पर पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े चाय के निर्यातक देश श्रीलंका में चाय की सप्लाई घटी है। इसी बीच भारत इसकी भरपाई कर सकता है। भारत श्रीलंका को चाय की सप्लाई करने और अपना चाय का निर्यात बढ़ाने के मौके को हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय चाय निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके तलाश रहे हैं। श्रीलंका को चाय सप्लाई करने के साथ साथ भारत दूसरे देशों में भी चाय की मार्केट में अपनी चाय सप्लाई करने की रणनीति बना रहा है। भारत ईरान तुर्की इराक जैसे देशों को चाय का निर्यात बढ़ा सकता है। भारत रूस को भी चाय का निर्यात बढ़ाना चाहता है। हालांकि अभी इन देशों में एक्सपोर्ट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सरकार प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश कर रही है। सरकार भी चाय निर्यात बढ़ाने के इस मौके का फायदा उठानी चाहती है। वहीं टी बोर्ड ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक 2019 में श्रीलंका ने तुर्की को 16.7 करोड़ डॉलर, रूस को 13.2 करोड़ डॉलर, इराक को 10.4 करोड़ डॉलर और चीन को 5.5 करोड़ डॉलर की चाय का निर्यात किया था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।